बिहार विधानसभा में फिर जमकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने सदन में फेंकी कुर्सी, वीडियो हुआ वायरल। मांझी ने कहा, जो आदमी कमजोर हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वह किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, तो फोन टैपिंग भी उसी में शामिल है। पटना में किसान सलाहकारों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, सड़क पर गिरने के बाद बरसाई लाठी। 2017 में भी मेरे खिलाफ चार्जशीट हुआ था, फिर मुझे डिप्टी सीएम की शपथ लेने से क्यों नहीं रोका, तेजस्वी यादव का बयान। बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सी उछाली और कागज भी फाड़े, देखिए किस तरह कुर्सी उछाली गई और कागज फाड़े गए। आरजेडी दफ्तर के बाहर जमकर लात घुसे, आपस में भिड़े कानून मंत्री के सुरक्षा कर्मी। आपको सीएम पद से हटाने के लिए करता हूं ऐसा काम, सीएम नीतीश के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कह दी ऐसा बात। सीएम नीतीश 14 जुलाई को विधानसभा में बनने नए कैंटीन का करेंगे उद्घाटन। वज्रपात से मरने वाले परिजन से पहुंचे थे कटावा, गांव वालों ने सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का किया विरोध। लगातार बारिश पर बिहार सरकार अलर्ट, मंत्री संजय झा ने कहा, बाढ़ बारिश की स्थिति पर सरकार की पैनी नजर। शिक्षा सचिव के पाठक का बड़ा आदेश, सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मांगे रिपोर्ट। बिहार में 10 लाख नौकरी की जगह नीतीश बाबू की सरकार में 10 लाख लाठियां। चाईबासा में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट को लगी गोली। बाबा बैजनाथ धाम पहुंच रहे कवाड़िये, जिले प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम। मोतिहारी में बिजनेस पार्टनर को मारी गोली, हालत गंभीर, घटना के पीछे सामने आया विवाद। रोहतास में बारिश की वजह से दीवार गिरने से एक की हुई मौत, दो की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने किया बनारस रेफर। तहखाना हेलमेट और जूते के सोल की बोरिया, कंटेनर से 20 लाख की शराब हुई जब्त। टीचर ने 12 बार चाकू मारकर बच्चे की ली जान, नालंदा में खेलने निकला था 9 साल का मासूम। पटना में आज सोने चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी, सोना 59,056 रुपए तोला तो वहीं चांदी 63,000 रुपए किलो। कुएं में युवक की झुलती लाश मिलने से हड़कंप, मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने की खुदकुशी।